प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट एग्जाम से लेकर सभी अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी जरूरी खबर आ रही है कि एमपी बोर्ड ने पहली बार फरवरी में एग्जाम तो रख लिए हैं परंतु अभी तक पूरी तैयारी नहीं हो पाई है एग्जाम को लेकर। और कल इस बारे में मीटिंग की जा रही है सोमवार को कि किस तरह तैयारी करना, वो क्या दिक्कतें हैं जो एमपी बोर्ड ने अभी तक प्रॉपर इंतजाम उसके नहीं कर पाई है। सेंटर जरूर बढ़ा दिए इस बार एग्जाम्स को लेकर और पहली बार फरवरी में एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, ऑफलाइन ही होंगे, ये हमारे शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि तीसरी लहर का खतरा, यदि अप्रैल मई में फिर से लहर आती है तो एग्जाम नहीं हो पाएंगे और फिर रिजल्ट जो है वो कुछ तो भी बनता है जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो गलत भी है क्योंकि परीक्षा होना चाहिए, उसी आधार पर रिजल्ट बनना चाहिए। तो क्या है अपडेट, मैं यहाँ बता दूं कि परीक्षा सेंटर तो बना लिया एमपी बोर्ड ने, पर यदि परीक्षा सेंटर पर स्टूडेंट्स में कोरोना के लक्षण मिले तो क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और कल इस बारे में मीटिंग रखी गई है सोमवार को, तो इसकी तैयारी अभी तक नहीं है, कल फैसला हो सकता है। तो यहाँ दैनिक भास्कर पत्र, जो दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर है, उसके हवाले से खबर आई है कि बच्चा यदि संक्रमित होता है तो क्या होगा और सेंटर पर लक्षण मिले तो क्या एंट्री मिलेगी, संक्रमित बच्चों को क्या दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि जो कोविड टेस्ट है वो किया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम। और सभी को वैक्सीन लगाने का भी बोला गया, ये भी एक अपडेट आई थी कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाना जरूरी है, पर उसके बाद भी यदि कोई बच्चा संक्रमित मिलता है या कोविड के कारण कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए एमपी बोर्ड की तरफ से, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। और बाकी राज्य में कब परीक्षाएं और उनकी तरफ से क्या तैयारी की गई है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एमपी बोर्ड के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी कह चुके हैं कि एग्जाम हर हाल में ऑफलाइन ही होंगे। अब तक करीब 18 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे, लेकिन यदि किसी छात्र को कोरोना हो जाता है या परीक्षा के दौरान उसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका क्या होगा, एमपी बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है, इसको लेकर सोमवार को बोर्ड बड़ा निर्णय ले सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे छात्रों के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई, अन्य राज्य में क्या व्यवस्था है वो भी हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि बढ़ते कोरोना के कारण 14 जनवरी से स्कूल बंद कर दिए गए थे, 1 फरवरी से दोबारा खोल दिए गए। उस समय 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे और अभी भी ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के टाइम यदि कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनके लिए व्यवस्था एमपी बोर्ड को करना पड़ेगी। तो एमपी बोर्ड इस तरह व्यवस्था कर सकता है, परीक्षा सेंटर में अलग से आइसोलेशन रूम बनाया जा सकता है, विशेष परीक्षा यानी बाद में भी परीक्षा दिलाए जाने की व्यवस्था की जा सकती है। अभी तक कोई आदेश इस बारे में नहीं आया है पर सोमवार को आ जाएगा। अभी तक इस तरह परीक्षा की तैयारी है कि 10वीं की परीक्षाएँ 18 फरवरी से और 10 मार्च तक चलेंगी, वहीं 12वीं के पेपर 17 फरवरी से 12 मार्च तक होगी। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक रखा गया है, टाइम टेबल आप मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पर इस बार परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे उपस्थित होना जरूरी है, 8:45 के बाद यदि 8:45 के बाद आपको केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया है, एक रूम अलग से रिजर्व रखा है कोरोना प्रभावित बच्चों के लिए कि कोई छात्र यदि कोरोना पॉजिटिव होता है तो वह केंद्र पर आइसोलेशन में पेपर दे सकता है। इसके अलावा वह सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी शामिल हो सकता है, सभी सब्जेक्ट के या कुछ सब्जेक्ट के यदि उसके रह जाते हैं तो वो बाद में भी पेपर दे सकता है और 25 छात्र ही केवल उपस्थित होंगे, ऐसा महाराष्ट्र में किया गया। राजस्थान में ऐसा आर्डर दिया गया है कि बाद में होगी संक्रमितों की परीक्षा, 3 मार्च से राजस्थान भी अपनी बोर्ड की परीक्षाएँ ले रहा है। जिस भी स्कूल में यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर बाद में एग्जाम होंगे, परीक्षा की डेट आगे खिसकाने स्थगित करने का उनका भी कोई विचार नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो चुनाव के बाद परीक्षाएं होंगी और ये अप्रैल मई में आयोजित की जाएंगी। वहीं पर छत्तीसगढ़ में भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया एमपी बोर्ड की तरह ही, और दिसंबर में ही उनका टाइम टेबल भी जारी हो गया था। तो ये नई अपडेट है,
जो एमपी बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स आई है, क्योंकि कल मीटिंग लेना ही पड़ेगा एमपी बोर्ड को। अभी तक कोरोना से रिलेटेड जो है वो खबर नहीं, एमपी बोर्ड ने डिसाइड की थी कि उन स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएँ। इतनी जल्दी पेपर जरूर रख लिए हैं पर पूरी व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई हैं, तो सोमवार को एक बड़ा डिसीजन हो सकता है इस बारे में कि कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। तो आगे जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स फिर मैं चैनल पर लेकर आता रहूँगा, चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।